उपमंडल इंदौरा के अधीन पड़ते गांव राजा खासा के निवासी इन दिनों पेयजल की सुविधा से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों कैलाश देवी, अनीता देवी, आरती, किरण, सुनीता, जीवना, दर्शन सिंह, लक्की शर्मा, दीपक कुमार, रोहिण, रोहित, विजय, ऋषु आदि का कहना है कि हमारे गांव राजा खासा में स्थित पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई फेज वन स्कीम से पूरे राजा खासा और भपकू गांव को पेयजल सप्लाई किया जाता है, परंतु स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजा खासा में स्थित इस सप्लाई से महज हमारे गांव को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक ही पानी दिया जाता है, जबकि गांव भप्पू में यही पेयजल आपूर्ति एक दिन में एक एक घंटे से अधिक दो बार पानी दी जाती है। स्थानीय लोगों ने इस स्कीम पर तैनात कर्मचारी पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि यह कर्मचारी भप्पू निवासी है, इसीलिए राजा खासा गाँव को महज 10 से 15 मिनट पानी देता है, जबकि भप्पू गांव को घंटों तक पानी देता है। स्थानीय लोगों ने आरोप झड़ते हुए कहा कि उक्त कर्मचारी किसी निजी उद्योग में भी कार्यरत है, जहां पर काम करने का बहाना बनाकर यह प्रतिदिन 10 से 15 मिनट पानी देकर बंद करके चला जाता है। वहीं स्थानीय निवासी दर्शन सिंह ने कहा कि हमने अपनी जमीन जल शक्ति विभाग को इसलिए दी थी कि हमारे गाँव में पेयजल की दिक्कत ना रहे। वहीं इस स्कीम के कर्मचारियों द्वारा गाँववासियों की अपेक्षा के विपरीत कार्य किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग को पेयजल स्कीम के लिए दी गई भूमि की अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यदि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने भेदभाव करना बंद नहीं किया तो पहले विभाग को नोटिस दिया जाएगा, अगर विभाग फिर भी नहीं सुधरा तो स्कीम पर जमीन मालिकों द्वारा ताला जड़ दिया जाएगा। वहीं जब इस विषय पर जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता अश्विनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं अभी मौके पर जाकर लोगों से मिलकर आया हूँ, उनकी पेयजल समस्या को हल करने के लिए कल से पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि वह विभाग का सहयोग करें ताकि इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। हाँ जी, आपका नाम? दर्शन सिंह। अच्छा जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इस वाटर सप्लाई का कि पानी नहीं साढ़े पिंड की पूरा होता। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, ठीक है ना। यदि सप्लाई जी है भपू भी जाती है और साढ़ी मालकी बच्चे लगी हुई है, जैसा कि मालकी असी अपनी देई है भी जैसा कि पानी नहीं मिलता साढ़े पिंड की सभी यदि पानी की सहूलत नहीं है तो असी भपू की सप्लाई बंद कर देनी है, जो नहीं तो अभी सरकार की नोटिस देना है, दो नोटिस देखिए तीजी बारी ताला लगना है जो साढ़े पिंड की पानी नहीं होगा पूरा, ठीक है ना। ऑपरेटर आते हैं पानी छड़न, एक आंदा सुनीत एक दिन आ गया आबू, जो आबू आंदा है वो कि शायद फैक्ट्री फूक्टरी कितने काम करता है, उसी पास अपनी फैक्ट्री जाने की काली होंगी है, 10 मिनट पानी दिता मिनटे बंद करी घर चल जाता। सुनील का पानी ठीक है पर ओदी बारी 15 दिन बाद एक बारी आंदी सुनीति पानी देने, 15 दिन पानी भरने के करना, पानी पीना फिर सुनीति जान पुराना पानी पीना, बच्चे की नहाना स्कूल भेजना, आई पानी ढोन लगी रंगे और हाडे घर मर्ग होई ही माता जी दी किरिया दे इंदे घर पानी नहीं आया, हानू इन्नी परेशानी हुई पानी दी कोई पूछो मत, तुसी टैंकी लेंदे रे टैंक और टैंक दी भी सहूलत नहीं मिली हानू फिर क्योंकि इस सारे बिजी टैंक ते बड़ी मुश्किल नाल इधरों उधरों करके पानी दा जगाड़मेंट कीता। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए इंदौरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।